वेलकम, आई एम डॉक्टर श्वेता। लेज़र का ये लेक्चर 5 है जिसमें हम हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ने वाले हैं। हीलियम नियॉन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ेंगे, उसके बाद हीलियम नियॉन की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और लास्ट में जो हीलियम नियॉन लेज़र का है उसमें हम सुपीरिटी ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र ओवर अ रूबी लेज़र पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस हमारा इतना ही होगा। Describe the construction and working of helium neon laser. Show why helium neon gas laser are superior to ruby laser. Helium neon जो gas laser है, ये 4-level laser है और सबसे पहले इसको अली जीवा ने और उसके co-workers ने मिलके इसको बनाया था. Built by अली जीवा in 1961. फर्स्ट गैस लेजर एक्टिव मीडियम जो है इसमें मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन है, दोनों ही इसमें एक्टिव मीडियम है. पंपिंग टेक्निक जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग यूज करते हैं और इसमें ऑप्टिकल कैविटी बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस ट्यूब में हीलियम नियॉन गैस फिल्ड होती है उसके दोनों एंड को सिल्वर्ड पॉलिश करते हैं, ऑप्टिकली फ्लैट करते हैं और फिर सिल्वर्ड कर देते हैं टू क्रिएट द ऑप्टिकल रेजोनेटर. तो इस पीपीटी में यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है, तो लिखिएगा हीलियम नियॉन गैस लेजर इज अ 4-level लेजर एंड वॉज बिल्ड बाय अली जवान एंड हिज कोवर्कर्स. फिर कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालिएगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, इसको समझते हैं. तो इसमें क्या है, क्वार्ट्ज ट्यूब है जिसके अंदर हीलियम और नियॉन का गैस मिक्सचर है और जो इनका रेशियो है वो या तो 7:1 में होता है या 10:1 में होता है, ठीक है. तो ये इस रेशो में फिल्ड होती है और 1 mm ऑफ Hg के प्रेशर से, जो प्रेशर से जिस प्रेशर से फिल्ड की जाती है वो है 1 mm ऑफ Hg के. इस क्वार्ट्ज ट्यूब के दोनों एंड्स को रिफ्लेक्टिंग एंड बनाते हैं ऑप्टिकली फ्लैट करके. तो हमको पता ही है क्यों बनाते हैं, टू क्रिएट द ऑप्टिकल रेजोनेटर कि जो फोटॉन्स यहाँ से निकलेंगे वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस से गैस मिक्सचर में आए और इंटेंसिटी हाई करें और तब तक रिफ्लेक्ट बैक होते रहें जब तक हमें सफिशियंटली हाई इंटेंस लेजर बीम ना मिल जाए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते रहें कंटिन्यूसली. फिर यहाँ पे ये कनेक्ट है एनोड और कैथोड्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गैस मिक्सचर में हम पास करते हैं, एक्सेलेटेड होते हैं, हीलियम नियॉन से कोलाइड करते हैं और हीलियम नियॉन को एक्साइटेड यानी कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कराते हैं. इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी हीलियम और नियॉन को ट्रांसफर कर देता है जिसकी वजह से हीलियम और नियॉन दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं. तो यहाँ पर हीलियम और नियॉन दोनों जो है एक्टिव मीडियम है, ठीक है. हीलियम की भी एनर्जी लेवल्स कंट्रीब्यूट करते हैं और नियॉन के भी एनर्जी लेवल कंट्रीब्यूट करते हैं लेजर एक्शन होने में. इसको हमने आरएफ जनरेटर से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर, जो कि इसको एक्सेलेट करने में और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में काम आते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है हीलियम नियॉन गैस से, तो एनर्जी हीट की फॉर्म में जनरेट नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई कूलिंग अरेंजमेंट की भी जरूरत नहीं होती है और क्योंकि ये लो पावर यूज करता है तो यहाँ पे हीट नहीं फॉर्म हो रही है, तो कूलिंग अरेंजमेंट की भी जरूरत नहीं है. जबकि रूबी लेजर में हमें कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत पड़ रही थी. रूबी लेजर हमारा सॉलिड स्टेट लेजर था, ये हमारा गैस लेजर है. रूबी लेजर 3-level था, ये 4-level गैस लेजर है. तो 2-level हीलियम के और 2-level नियॉन के कंट्रीब्यूट करते हैं लेजरिंग एक्शन होने में. क्या बताया, क्वार्ट्ज ट्यूब है, 1 meter लॉन्ग होती है, 1.5 centimeter का डायमीटर होता है, दोनों एंड्स को रिफ्लेक्टिंग एंड बनाते हैं टू क्रिएट द ऑप्टिकल रेजोनेटर, कोई कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती है. एक्टिव मीडियम को एक्साइटेड करने के लिए आरएफ जनरेटर रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर यूज किया जाता है. इसकी जो आउटपुट है वो हमें कंटिन्यूस बीम मिलती है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे 2 active मटेरियल हैं, तो हीलियम एक्साइटेड होता है फिर वो डीएक्साइटेड होता है, अपनी एनर्जी नियॉन को दे देता है, नियॉन एक्साइटेड होता है, ठीक है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है तो आउटपुट में हमें कंटिन्यूस बीम मिलती है. जब
तो हीलियम नियॉन गैस लेजर कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज ट्यूब हैविंग अ साइज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 1 मीटर इन लेंथ, कंटेनिंग हीलियम एंड नियॉन गैस इन द रेशियो ऑफ 10:1 और 7:1 एट द प्रेशर ऑफ 1 mm ऑफ Hg. द बोथ एंड ऑफ द ट्यूब आर सील्ड. वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज बाय फुली रिफ्लेक्टिंग एंड प्लेट वाइल द अदर एंड हैज पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड प्लेट. दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर मेड ऑप्टिकल रेजोनेटर. यह यहाँ पे आएगा टू फॉर्म ऑप्टिकल रेजोनेटर. द गैस लेजर इज कॉमनली यूज लो पावर, हैंस नो कूलिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड. द एक्टिव मटीरियल इज एक्साइटेड बाय मीन्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर. That is radio frequency generator. तो क्या बताया, हीलियम और नियॉन टू एटम्स हैं जो उसमें लेजर एक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं. हीलियम के टू एनर्जी लेवल F1 और F2, नियॉन के एक्साइटेड स्टेट E3 एंड E4. नियॉन में 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट E1, एक्साइटेड स्टेट E2, एक्साइटेड स्टेट E3 और मैटर स्टेबल स्टेट E4. बट लेजिंग एक्शन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो E3 और E4 करते हैं. जब हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्वार्ट्ज ट्यूब में पास करते हैं तो हीलियम और नियॉन से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी हीलियम और नियॉन को ट्रांसफर कर देते हैं. तो हीलियम ग्राउंड स्टेट F1 से F2 में मूव करता है और नियॉन ग्राउंड स्टेट E1 से E4 में मूव करता है. बट कुछ ही नियॉन एटम एक्साइटेड होते हैं. मैक्सिमम हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट से F2 स्टेट में मूव करते हैं. हीलियम और नियॉन दोनों ग्राउंड स्टेट में थे, हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करना स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का कुलिजन हुआ हीलियम और नियॉन से और उस कुलिजन की वजह से हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट F1 से F2 में मूव किए और नियॉन एटम E1 से E4 में स्टेट हुए मूव हुए. बट नियॉन एटम कम ही E4 स्टेट में जा पाए जबकि मैक्सिमम हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट से F1 से F2 में मूव किए क्योंकि हीलियम हमारा लाइटर एटम है. इस ट्रांजिशन को हम पंपिंग ट्रांजिशन कहते हैं. हीलियम नियॉन दोनों गैस हैं, ट्यूब में मूव करेंगी तो हीलियम और नियॉन के बीच में भी आपस में कुलिजन होगा. उस कुलिजन की वजह से जो एक्साइटेड हीलियम एटम है यानी कि F2 स्टेट में जो हीलियम एटम है वो अपनी एनर्जी नियॉन एटम को जो कि ग्राउंड स्टेट में है उनको ट्रांसफर कर देंगे और उस कुलिजन की वजह से नियॉन एटम ग्राउंड स्टेट से मैटर स्टेबल स्टेट E4 में पहुंच जाएंगे. इस ट्रांजिशन को बोलते हैं जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हीलियम नियॉन इलास्टिक कुलिजन. तो यहाँ पे दो मैंने आपको बोला भी था दो पंपिंग यूज होती हैं. तो एक तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग हो रही है जिसकी वजह से हीलियम जो है ग्राउंड स्टेट से F2 स्टेट में जा रहे हैं. एक एटम एटम की कुलिजन हो रही है जिसकी वजह से नियॉन एटम ग्राउंड स्टेट से E4 स्टेट में जा रहे हैं. ठीक है, अब हमारा जो E4 स्टेट है वो मेटा स्टेबल स्टेट है और मेटा स्टेबल स्टेट में एटम यहाँ पर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो एक टाइम ऐसा आता है कि नियॉन एटम मैक्सिमम E4 स्टेट में पहुंच जाते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन इस्टेब्लिश हो जाता है और मैक्सिमम एटम E4 स्टेट में होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं. जबकि नॉर्मली क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में या मेटा स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स होते नहीं है या बहुत कम होते हैं. बट धीरे धीरे क्या होगा E4 स्टेट में नियॉन एटम इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे. जो फर्स्ट नियॉन एटम मेटा स्टेबल स्टेट भी है लेकिन 10^-3 सेकेंड बाद भी यहाँ से एटम को वापस से ग्राउंड स्टेट में आना ही है. स्टेबिलिटी जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही होती है. तो नियॉन एटम स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा E4 स्टेट से E3 स्टेट में और एमिट करेगा फोटोन 6328 एंगस्ट्रॉम का. ये जो ट्रांजिशन है ये हमारा जो ये एरो है ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है. ठीक है, अब ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की वजह से जो फोटोन मिला ये ट्यूब के अंदर मूव करेगा और ट्यूब में जो भी नियॉन एटम इसको E4 स्टेट में मिलेंगे जिनकी एनर्जी E4 स्टेट वाली होगी
उनको स्टिमुलेट करेगा, इंड्यूस करेगा कि वो E4 स्टेट से E3 स्टेट में आए, और जो ये वाला ट्रांजिशन है ये लेजर ट्रांजिशन या स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होगा। ये जो फोटोन है स्पॉन्टेनियस फोटोन यहाँ से जो निकला था इसी के फेज में होंगे और ये सब सेम फेज में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और कंटिन्यूसली जो रिफ्लेक्टिंग एंड है उनसे रिफ्लेक्ट बैक होंगे और इंटेंसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, एम्पलीफाइड होती रहेगी। जो भी इनको नियॉन एटम E4 स्टेट में मिलेंगे उनके साथ इंट्रैक्ट करेंगे और उनको इंड्यूस करेंगे कि वो E4 स्टेट से E3 स्टेट में आए, और जैसे ही इंटेंसिटी सफिशियंटली हाई होगी पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड से हमें आउटपुट मिल जाएगी, लेजर बीम मिल जाएगी। नियॉन एटम क्योंकि अब ट्रांजिशन कर चुके हैं E4 स्टेट से E3 स्टेट में, अब इनकी जो एनर्जी है E3 स्टेट वाली है, तो E3 स्टेट से E2 स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है, क्योंकि E3 स्टेट जो है हमारी एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे 10^-8 सेकेंड ही एटम रह सकता है, तो जो ट्रांजिशन होगा वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा और ये जो फोटोन है ये रैंडम फेस में होगा, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और क्वार्ट्ज ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। E2 स्टेट से E1 स्टेट में जो नियॉन एटम है अब इसकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, तो क्वार्ट्ज ट्यूब की जो वॉल्स हैं जिस ट्यूब में ये फिल्ड है उसके कोलिजन की वजह से ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है अपना एनर्जी का लॉस करके, और ये जो ट्रांजिशन होता है E2 स्टेट से E1 स्टेट का ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। तो मैंने क्या किया है कि जिस कलर का ट्रांजिशन का कलर लिया है वही कलर से फॉन्ट रखा है, जिससे आप देख सकते हो कि किसके लिए हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं। यहाँ पे हम बात बोल रहे हैं पंपिंग ट्रांजिशन की, व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास थ्रू अ गैस इलेक्ट्रॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब कोलाइड विद हीलियम एंड नियॉन एटम। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब कोलाइड विद हीलियम एंड नियॉन एटम्स। हीलियम एंड नियॉन एटम्स आर एक्साइटेड टू मैटर स्टेबल स्टेट F2 एंड E4। तो ये जो मैटर स्टेबल स्टेट है ये E4 के लिए लिखना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैटर स्टेबल स्टेट E4 लिख लेना चाहे तो फिर यहाँ पे भी आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। हीलियम एंड नियॉन एटम्स आर एक्साइटेड टू F2 एंड मैटर स्टेबल स्टेट E4 रिस्पेक्टिवली अबव द ग्राउंड स्टेट, बट हीलियम atoms are more quickly excitable than neon atoms as they are lighter. तो हम बात कर रहे हैं जो pumping transition है उसकी, कि maximum जो है helium atom ही F1 state से F2 state में move करते हैं। Second transition हमारा ये है helium neon collision का, तो some of excited जो excited helium atoms हैं transfer their energy to unexcited neon atoms by collision। तो जो नियॉन एटम ग्राउंड स्टेट में जिनके पास उतनी एनर्जी नहीं है नॉर्मल स्टेट में है उनसे एक्साइटेड हीलियम एटम्स कोलिजन करते हैं और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देते हैं, नियॉन एटम भी एक्साइटेड हो जाता है। द लाइटर हीलियम एटम्स हेल्प इन अचीविंग अ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हैवियर नियॉन एटम एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज एस्टैब्लिश। जो लाइटर हीलियम एटम है वो नियॉन को हेल्प कर रहे हैं टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। व्हेन एक्साइटेड नियॉन एटम ड्रॉप डाउन स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम मैटर स्टेबल स्टेट E4 टू E3 इट एमिट अ स्पॉन्टेनियस फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम इन विजिबल रीजन। ये जो ग्रीन ट्रांजिशन है या ये वाली जो पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन है हमारा लेजर ट्रांजिशन, मैटर स्टेबल स्टेट से E4 से E3। जो ये स्पॉन्टेनियस फोटोन है ये मिक्सचर ऑफ गैस में ट्रैवल करेगा और रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड होगा रिफ्लेक्टिंग एंड से और स्टिमुलेट करेगा नियॉन एटम्स को कि ये भी जो भी हमारे E4 स्टेट में एटम्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो भी E4 स्टेट से E3 स्टेट में मूव करें और फोटोन एमिट करें 6328 एंगस्ट्रॉम का। और ये जो फोटोन है सेम फेज में होगा, सारे सेम फेज में होंगे और दिस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन इज अ लेजर ट्रांजिशन। नेक्स्ट
अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, E3 लेवल में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेजर बीम है वो क्या होगी, सफिशेंटली इंटेंस होगी और इमर्ज आउट हो जाएगी पार्शली सिल्वर्ड एंड से, यानी कि लेजर विंडो से। जो फोटोन रैंडम डायरेक्शन में है और एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो हमारे इमर्ज आउट हो जाएंगे ट्यूब से, साइड से, और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा E3 स्टेट से E2 के बीच में। नियॉन एटम ड्रॉप डाउन फ्रॉम E3 लेवल टू लोअर लेवल E2 थ्रू स्पॉन्टेनियस एमिशन एमिटिंग इनकोरेंट लाइट, और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए हमें आउटपुट में भी नहीं मिलेगी। E2 स्टेट से E1 का जो ट्रांजिशन है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा, और किस वजह से होगा, जो नियॉन एटम है कोलिजन करेंगे विद वॉल ऑफ द ट्यूब। फ्रॉम E2 द नियॉन एटम आर ब्रॉट टू ग्राउंड स्टेट थ्रू द कोलिजन विद द वॉल ऑफ द ट्यूब एंड फाइनल ट्रांजिशन इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी जो आउटपुट पावर है लाई करती है 1 to 50 माइक्रो मिली वॉट जब हम इनपुट देते हैं 5 to 10 वॉट। एप्लीकेशंस हीलियम नियॉन के, हीलियम नियॉन जो है लैब एक्सपेरिमेंट में यूज होती है, स्पेशली लेबोरेटरी में जब इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाना होता है तो उसके लिए हम हीलियम नियॉन गैस लेजर यूज करते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होती है फॉर मॉडरेट डिस्टेंस के लिए, और होलोग्राम बनाने में भी यूज होती है। अगर हमें 3D फोटोग्राफ या होलोग्राम प्रोड्यूस करना है, बनाना है, तो उसमें भी हीलियम नियॉन गैस लेजर यूज होती है। तो इस डिफरेंस बिटवीन रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर, एज वी ऑल नो रूबी लेजर प्रोड्यूसेस पल्स लेजर बीम, इट इज 3-लेवल लेजर, ऑप्टिकल पंपिंग मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, कूलिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज इन रूबी लेजर, इट हैज एक्टिव मीडियम इन सॉलिड स्टेट दैट इज क्रोमियम आयन, इट एमिट्स अ लाइट ऑफ 6,943 एंगस्ट्रॉम। फॉर हीलियम नियॉन लेजर इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस लेजर बीम, एज वी नो दिस इज 4-लेवल लेजर एंड वी हैव 2 एक्टिव मीडियम्स, सो इट इज कंटिन्यूअस लेजर, प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस लेजर बीम, इट हैज 4-लेवल लेजर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज यूज एज पंपिंग, no cooling arrangement is required, it has active medium in gaseous state, it emits a light of wavelength 6,328 angstrom, no cooling arrangement is required because it uses low pumping power. Applications of laser, it used in medical field, dental surgery, eye surgeries, it is used in communication, laser communication, in optical fiber communication, the light incident at input end by the laser, we use laser. Industrial applications are steel thickness measurement, if we want to measure the thickness of steel then we use laser. Pinning is the process of working a metal surface to improve the material property. So laser beam incident on materials, metal surface. Laser is also used in welding. Military applications. High laser beam is used for detection lidar. Laser guns, laser is used in laser guns, guns or summary, laser is light amplification by stimulated emission of radiation, laser light is produced by stimulated emission of radiation, population inversion is necessary for laser action, ruby laser is a 3-level laser and helium neon laser is a 4-level laser, laser have application in the field of medicine, industries, defense, security, etc. तो एप्लीकेशन के साथ हमारा लेज़र कंप्लीट हुआ, और आपके अगर कुछ डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरी है आप उसको कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियोस। थैंक यू।